हम लोग काम से सहस्त्रधारा आए हुए थे, तो ये सहस्त्रधारा एरिया है In 200 meters, turn left to a Tapovan Ashram Road, Tapovan Road. और हम लोग अभी थानू जा रहे हैं। वहाँ कोई स्वामी जी Take the next भास्करानंद right नाड़ी onto बह रहे Tapovan हैं, Ashram Road, Tapovan Road. बलभद्र खलंगा द्वार नाला पानी, उनसे अभी अपॉइंटमेंट ली है। सारी जमीन दी। Take the next left at Shiv Mandir Chowk onto Thewa Mandirta Road. हेलो भोले बाबा, Take the second exit onto Thanam Road. हवाई अड्डा हरिद्वार, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। ओके। जब यहाँ आई रखा हूँ थोड़ा सा, ये पुल टूट गया, रास्ता टूट गया था ये वाला। ऐसा सीन बन गया, फिर संदीप को बोल दूंगा, संदीप ड्रॉप कर देगा। तो आए सोडा सरोली, यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ ने बोला बेटा जमीन ले लिया, मैंने कौन पहुंच गया मैंने उस चल कुछ नहीं वाला सोडा। थोड़ा और दूर चलेगा तो ऋषि जी पहुंच जाते हैं। बूढ़े करते होंगे 1%, जितना भी है, लेकिन बूढ़े लोगों के हिसाब से भी तो खाना होना चाहिए ना। कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते, माइल्ड खाते हैं। थानो हिल्स क्या है ये? जिब्राणी, जिब्राणी रास्ता बना दिया ना, बड़ा पतला रास्ता है। समझ गया, मैं आ गया वही वाली जगह जहाँ तुम भी आए थे। अच्छा, देखने आए थे। देखो ना, दूसरी गाड़ी आ नहीं सकती है। अच्छा, मंदिर भी बना रखा है। अभी नाड़ी बाड़ी जो भी है, मैं इंट्रोड्यूस स्वामी भास्करानंद जी, मैं यहाँ पे आई हूँ। वो वैद्य हैं, नाड़ी वैद्य हैं इंदौर में। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी पेट की, तो मैं उन्हें दिखाने आई हूँ। और मैं अभी मैं फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं है, हूँ तो मैं देहरादून में किसी रिलेटिव के यहाँ भावाला में। पर अभी मैं बोट्सवाना में हूँ, जो साउथ अफ्रीकन जोन में पड़ता है। तो छुट्टी पे आई हूँ, तो मैंने एक्चुअल में वीडियो देखा था इनका यूट्यूब पे। तो फिर हमने वहां से नंबर निकाला, तो फोन किया। तो और मुझे ये मेडिसिन मिली है, चूर्ण मिला है जी। इसका फीडबैक भी आपको देना है। बिल्कुल जरूर दूंगी फीडबैक, मुझे जैसा होगा तो आप बताइए। जरूर जरूर, थैंक यू। आपको भी लगे जैसे मैं एलोपैथ में भी अपना ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ जी, जी। और होम्योपैथ का भी मैं करवा चुकी हूँ जी। आयुर्वेद में भी करवा चुकी हूँ मैं वैसे, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे ज्यादातर पेट की प्रॉब्लम रहती है, और पेट से ही मुझे लगता है कि सारी बीमारियों का घर ही पेट है। आपको विद इन 3 डेज इसके रिजल्ट पता लगेंगे। ओके, और फिर आप फीडबैक दीजिएगा। जरूर देंगे फीडबैक, जरूर देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर कोई आना चाहे तो एक बार जरूर आए। मैं भी पहली बार आई हूँ, ट्राई करके देखूंगी, जो कुछ भी रिजल्ट होगा मैं बताऊंगी। मतलब थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी मैं बहुत अच्छा लगा। और आप इसका रिजल्ट देखिए जरूर, और जो सही हो
कोई चीज बढ़ा के नहीं कहनी। नहीं नहीं बढ़ा के तो मेरी वैसे भी नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई चीज फालतू बात कही जाए। बिल्कुल, जितना रिजल्ट हो बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव उसको कहिए, क्योंकि ताकि सभी लोगों को सही जानकारी जी बिल्कुल हो। अगर आपको कहीं पर कुछ लगता है तो उसमें गुंजाइश भी होती है, ये है। तो मैं भी कहती हूँ कहीं पे भी अगर कुछ भी हो आप सीधा बोलिए, सही बोलिए, सच बोलिए। थैंक यू। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा मैं ही गलत साइड है तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। घर की तरफ जाना है, सबसे पहले नाड़ी वैद्य स्वामी भास्करानंद जी को मेरा नमन और प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपको याद होगा मैं आपके पास आई थी थानो देहरादून में, मुझे कुछ पेट की प्रॉब्लम थी, कुछ टाइम से मुझे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने IBS की प्रॉब्लम बताई थी मुझे। तो मैंने आपको किसी वीडियो में देखा था कि आप नाड़ी देख के किसी की रूट कॉज बता देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी टेस्ट कराने, मैं पहले आपके पास आना चाहती थी कि आप मुझे क्या बताते हैं मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन आपने मुझे सिर्फ नाड़ी देख के ही मेरी प्रॉब्लम्स बता दी है। उसके बाद आपने मुझे एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन दी, यकीन मानो मैंने उसको जितनी नाइट में लिया गर्म पानी के साथ, नेक्स्ट डे उसने बहुत क्लींस किया मेरा इंटरनल सिस्टम, इंटेस्टाइन हो गया, बहुत अच्छे से क्लीन किया और थोड़ा मैंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा, स्पाइसी नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, जैसा आपने मुझे बताया था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मेरी सडन तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं, वो वैसे ही हो गई थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा काम चल रहा है और मैं बहुत भागा दौड़ी में हूँ, थोड़ा प्रेशर भी था और किसी और के साथ रह रही थी मैं, तो इस वजह से। तब मैंने टेस्ट भी करवाए थे दिल्ली आके और ट्रीटमेंट भी कराया, तो यकीन मानो उन्होंने भी मुझे खैर ब्लड टेस्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया मेरा सारा सिस्टम को, लेकिन प्रॉब्लम जो टेस्ट में निकली वो वही थी जो आपने मुझे नाड़ी देख के बताई थी। मैं थोड़ी सरप्राइज तो हुई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नाड़ी वैद्य के पास गई थी तो उतना मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन हुआ, आपने जो बताया एग्जैक्ट मेरी वही प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपने मुझे फीडबैक देने के लिए कहा था, बहुत लेट दे रही हूँ, जैसा कि आपको पता था कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा बहुत बिजीएस्ट स्केड्यूल चल रहा था उस टाइम और मैं भाग रही थी, सिर्फ भाग रही थी। तो फीडबैक यही है कि जो भी वहाँ जाना चाहे, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है समझ नहीं आती है, एक बार थानो ज़रूर जाए, वैद्य जी को नाड़ी दिखाएं अपने, वो रिटायर्ड DSP हैं और ASP हैं
मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद पे ही शोध किया, अनुसंधान किया, उन्हीं के सेंटर में वहीं गई थी मैं, क्लिनिक में, जहाँ वो ये चीज़ें करते रहते हैं कि कौन सी दवा किस काम आएगी। दूसरा, मैंने वहाँ पे और लोगों से भी पूछा था कि क्या आपकी प्रॉब्लम वही है जो स्वामी जी बताते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वही है, उन्होंने भी बाद में टेस्ट कराए थे। तो किसी की प्रॉब्लम हो वो ज़रूर जाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार ज़रूर जाएं और उसके बाद टेस्ट कराएं अपनी तसल्ली के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश करूँगी आपसे मिलने फिर आऊँगी, और हो सकता है मैं आपको ये लिंक भी शेयर करूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपसे बात नहीं की उसके बाद, तो इस वक्त मैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं बोट्सवाना में रहती हूँ, तो मैं बोट्सवाना में ही हूँ अभी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनका एलोपैथ में भी बहुत नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हर वक्त बताई जाती थी और मैं अपने तरीके से अपने खान पान में भी अलग चीज़ें करती थी, मेडिसिन भी लेती थी, इवन योग एक्सरसाइज से भी करती थी, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए फ़र्क पड़ता था। और एक और चीज़ है, जिनका पेट गड़बड़ रहता है, अपसेट रहता है, एक बार वो अपनी नाल ज़रूर चेक करा ले, जो नाभि हम कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट होती है, खिसक जाती है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी पेट अपसेट रहता है, एक बार वो भी चेक करा ले। मुझे भी थी, वैसे मैंने दो तीन लोगों को बताया था आपके बारे में, अब ये मैं नहीं जानती कि वो लोग आप तक पहुँचे कि नहीं। मैं तो दोबारा नहीं आ सकी, बस बिजी रह गई। थैंक यू गुरुजी, गॉड ब्लेस यू।